सो दीज लाइन्स विच आर शोन हेयर इन ब्लू एंड रेड कलर, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ड्रॉ की हैं ताकि आपको पता चले कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, मिडिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इसी तरीके से व्हाट आर द बॉर्डर्स ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. नाउ फर्स्ट वी विल टेक दिस एंटीरियर क्रेनियल फोसा. एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज एंटीरियरली लिमिटेड या एंटीरियरली बाउंडेड बाय द फ्रंटल बोन. ये जो आपको ग्रीन कलर की बोन नजर आ रही है, दिस इज फ्रंटल बोन. जाहिर सी बात है ये वो सरफेस तो नहीं कह सकते, ये वो व्यू है स्कल का कि अगर हम स्कल कैप को ऊपर से हटा दें तो देन वी विल व्यू द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, सो द एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज एंटीरियरली बाउंडेड और एंटीरियरली लिमिटेड बाय द फ्रंटल बोन. Posteriorly, it extends up to the posterior borders of lesser wing of sphenoid. जहां पर इस वक्त मेरा pointer point कर रहा है या जहां move कर रहा है, this is actually the posterior limit of the anterior cranial fossa. और ये posterior limit बनती है by lesser wing of the sphenoid. मैंने आप लोगों को last lecture जो था, that is norma basalis, उसमें sphenoid bone का शेप दिखाया था. इट इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई. सेंटर में उसके बॉडी होती है, लेटरली उसके दो विंग्स होते हैं, एक लेसर विंग होता है ऊपर और एक नीचे ग्रेटर विंग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्फीनोइड बोन है, इट इज शोन इन ब्राउन कलर और यू कैन से दिस इज शोन इन रेड कलर. ठीक है, तो ये जो आपको रेड कलर की बोन यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली स्फीनोइड बोन. सेंटर में इसकी ये बॉडी है, ये इसका लेसर विंग है और ये बड़ा सा यहाँ पे ग्रेटर विंग नजर आ रहा है. तो सबसे पहली बात के एंटीरियर क्रेनियल फोसा इट एंटीरियरली बाउंडेड और लिमिटेड बाय द फ्रंटल बोन. पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड्स एज फार एज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. नाउ व्हाट इज द फ्लोर. जो फ्लोर है, सबसे पहली बात के व्हाट इट कंटेन्स, इसमें होता क्या है. इट कंटेन्स फ्रंटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और यू कैन से द फ्रंटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम. जो हमने सेरिब्रम पढ़ा था उसके डिफरेंट लोब्स आप लोगों ने पढ़े हैं. फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, पराइटल लोब होता है. तो जो फ्रंटल लोब, जो सबसे एंटीरियर लोब है सेरिब्रम का, वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ द ऑर्बिटल, ये जो आपको ग्रीन कलर की बोन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. सो द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा इन इट्स लेटरल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन. फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय लेटरल पार्ट में ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन. फ्रंटल बोन, ये ग्रीन कलर की पूरी बोन ही फ्रंटल बोन है, लेकिन ये पार्ट जो लेटरली प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेट. दिस इज अ थिन प्लेट ऑफ बोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड द ऑर्बिट. इसका नाम ऑर्बिटल प्लेट इस वजह से है कि बिकॉज अगर आप ये पार्ट रिमूव करेंगे फ्रंटल बोन का, तो यू विल एंटर इन टू ऑर्बिट. ठीक है, आप ऑर्बिटल कैविटी के अंदर एंटर हो जाएंगे. फाइन, so laterally the orbital plates of the frontal bone make the floor of the anterior cranial fossa. In the middle part, ye jo yellow color ki aapko bone nazar aa rahi hai, this is cribriform plate of ethmoid bone. Ethmoid bone ek deep seated bone hai which is present in the skull aur is कि जो पार्ट यहाँ पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है उसका नाम है क्रिबरी फॉर्म प्लेट. इसको क्रिबरी फॉर्म प्लेट इस वजह से कहते हैं कि ये जो पार्ट ऑफ इथेमोइड बोन है, इट इज परफोरेटेड बाय डिफरेंट होल्स. इसके अंदर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि छन्नी होती है, ठीक है, सीव होती है या छन्नी होती है. दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ द इथेमोइड बोन इज कॉल्ड एज क्रिबरी फॉर्म प्लेट. और ये फोरामेंस बेसिकली पास करते हैं नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑल्फैक्ट्री नर्व इनटू द क्रेनियल कैविटी. ठीक है, इसको अगर हम इथेमोइड बोन की क्रिबरी फॉर्म प्लेट को हटाएंगे तो वी विल एंटर इन नेजल कैविटी और वहां से ऑल्फैक्ट्री म्यूकोजा से ऑल्फैक्ट्री नर्व फाइबर्स क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं. ठीक है, तो इन द मिडल पार्ट या इन द मिड रीजन
द फ्लोर इज फॉर्म बाय द क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन. इसके अलावा मिडिल में और क्या नजर आता है, देयर इज अ क्रेस्ट. ठीक है, एक प्रोजेक्शन कह सकते हैं या एक क्रेस्ट कह सकते हैं जो कि मिडिल में प्रेजेंट होती है. इसका नाम है क्रिस्टा गिलाय. क्रिस्टा गिलाय, क्रिस्टा गिलाय अगर कुछ बच्चों को याद हो जिन्होंने मेनिंजीज पढ़ ली है न्यूरो एनाटॉमी की बुक से, तो ये वर्ड आपने वहां सुना होगा. क्रिस्टा गिलाय इज बेसिकली अ मिड लाइन क्रेस्ट विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू फॉक्स सेरिब्राई. क्रिस्टा गिलाय is basically a midline bony crest present in anterior cranial fossa that provides attachment to fox cerebri. और fox cerebri मेरा ख्याल से आप सब लोगों को पता होना चाहिए और पता होगा चूंकि you have done meninges in neuroanatomy के fox cerebri क्या है, एक fold है meningeal layer का which is present between the two cerebral hemispheres. ठीक है, तो ये crista gilae जो के मिडिल में प्रेजेंट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्लोर में, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू क्या कहते हैं फॉक्स सेरिब्राय. ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ फोरामेंस. एक फोरामेन जो मौजूद है दैट इज फोरामेन सीकम. फोरामेन सीकम बेसिकली कम्युनिकेट करता है विद द नेजल कैविटी. अगेन इसमें से क्या स्ट्रक्चर पास होता है वो हम देखेंगे बाद में इन टेबल. इसके अलावा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जो फोरामेंस प्रेजेंट हैं, दे आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामेन. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामेन, ये दोनों फोरामेंस बेसिकली इथेमोइड बोन की क्रिबरी फॉर्म प्लेट और फ्रंटल बोन का जो ऑर्बिटल प्लेट है इसके जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व्स गुजरते हैं. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, और हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. सो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में दीज आर द थिंग्स जो कि और फर्दर इसको मैग्नीफाइड व्यू में दिखाया गया आपको. फ्लोर बेसिकली यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन. इन द मिडिल पार्ट दिस इज क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन और क्रिबरी फॉर्म प्लेट के सेंटर में देयर इज क्रिस्टा गिलाय व्हिच इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू फॉक्स सेरिब्राय. इसी के क्रिबरी फॉर्म प्लेट के एंटीरियरली एक फोरामेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम, दैट बेसिकली कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी. ठीक है, और लेटरली देखें तो क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड के प्रेजेंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामेंस. ठीक है, पोस्टीरियरली अगर हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं तो यू विल फाइंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. ये जो आपको रेड कलर की बोन नजर आ रही है दिस इज बेसिकली स्फीनोइड बोन और ये जो पार्ट आपको नजर आता है जो कि पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा की इज एक्चुअली द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. ठीक है, लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्रोजेक्ट करता है और इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. Anterior clinoid process, ठीक है, lesser wing of the sphenoid at its medial end, it projects out and form a process जिसका नाम है anterior clinoid process. ठीक है, anterior clinoid process को बार बार stress इस वजह से दिया जा रहा है कि because it provides attachment again to a fold of meninges. यहां पर एक बहुत ही important मेनिंजियल फोल्ड आके अटैच होता है और उस मेनिंजियल फोल्ड का नाम है टेंटोरियम सेरिबिलाय. टेंटोरियम सेरिबिलाय, अगर आप लोगों को याद हो कि टेंटोरियम सेरिबिलाय एक फोल्ड है मेनिंजियल लेयर का जो कि सेरिबेलम के सुपीरियर सरफेस और सेरिब्रम के इंफीरियर सरफेस के बीच में होता है, तो ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू दैट टेंटोरियम सेरिबिलाय. ठीक है जी, ओके. एंड व्हाट इट लॉजेस, ये हमने बात कर ली थी कि व्हाट इट कंटेन्स. एंटीरियर क्रेनियल फोसा में होता क्या है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में बेसिकली होते हैं फ्रंटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम. ठीक है, तो हर क्रेनियल फोसा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है, उसका जो फ्लोर है क्रेनियल फोसा का वहां वो कैसे बना हुआ है, कौन सी बोन्स वहां पे प्रेजेंट है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस या कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं
तो उनका नाम पता होना चाहिए, और जो फोरामेंस हैं वो तो हर हालत में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कौन कौन से फोरामेंस हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसके कॉन्टेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये इसकी हाइलाइट्स हैं एंटीरियर क्रैनियल फोसा की। इट लॉजेस फ्रंटल लोब्स, एंटीरियरली इट इज लिमिटेड बाय फ्रंटल बोन जो कि हम देख चुके हैं, पोस्टीरियरली एंटीरियर क्रैनियल फोसा इज लिमिटेड बाय लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रैनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल रिज्ड ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन इन इट्स लेटरल पार्ट एंड इन द मिडल पार्ट इट इज फॉर्म्ड बाय क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन। Now, in the cribriform plate of ethmoid bone, there is a central crest ya midline crest is present, jiska naam hai crista gallae, aur iski importance ye hai ki it provides attachment to the fox cerebri. Fox cerebri, which is a fold of meningeal layer, or ya phir fold of meninges, which is present between the two cerebral hemispheres. Theek hai? So this ends with anterior cranial fossa. Now we will move ahead towards the middle. Achha, middle pe jane se pehle hum dekh lein foramens aur unke contents. Humne baat ki thi foramen cecum ki anterior cranial fossa mein. Foramen cecum anterior cranial fossa ko communicate karata hai with the nasal cavity. Aur isme se kya pass hota hai? It passes emissary veins to the nasal cavity. ये एमिसरी वेन्स बेसिकली सुपीरियर सेजाइटल साइनस को नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कराती हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी फोरामेनास जो के प्रेजेंट है इन द क्रिबरी फ्रॉम प्लेट, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्रिबरी फ्रॉम प्लेट का नाम क्रिबरी फ्रॉम इस वजह से है कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्मॉल माइन्यूट फोरामेंस होते हैं और उस फोरामेन से पास होती है ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसका काम होता है ऑल्फेक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल करना, ठीक है। तो ऑल्फेक्टरी फोरामेना ऑफ द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट इट पासेस ऑल्फेक्टरी नर्व्स। अच्छा जी, ऑप्टिक कैनाल रह गया। ऑप्टिक कैनाल हम आपको बताएंगे मिडिल क्रेनियल फोसा में कि होता क्या है। कुछ लोग इसको एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कंसिडर करते हैं, कुछ इसको मिडिल में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल में से बेसिकली ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरती है, ठीक है।